डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे विलयन की मोलरता के संबंध में। तो किसी विलयन में विलेय के 1000 ग्राम या 1 केजी में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक मोल प्रति केजी या मोल केजी इनवर्स होता है। तो हमको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कोई भी विलयन है तो उसमें जो विलायक होगा उसके 1000 ग्राम यानी कि 1 केजी 1 किलोग्राम में जो विलेय पदार्थ होगा, विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ जो होगा उसके मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अर्थात ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोललता कहा जाएगा या मोललिटी कहेंगे। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स होगा। डियर स्टूडेंट, विलयन के मोललता हम ज्ञात करने के लिए विलयन की मोललता का सूत्र होगा विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या और बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में। जैसा कि अभी मैंने परिभाषा में पढ़ा था कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता m कहलाती है। तो उसी तरीके से सूत्र का निर्माण हो जाएगा। धन्यवाद।